दोस्तों, मैं हूं मयूर और मैं जा रहा हूं द ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा। तो चलिए आज वहां पर जाकर उसे नजदीक से जानते हैं। कुराई खाड़ी तक हमें पहले बोरीवली वेस्ट में आना होता है और उसके लिए लोकल ट्रेन, टैक्सी, ऑटो सभी वाहन उपलब्ध हैं, मगर मैंने बेस्ट को चुना जो अंधेरी से सीधे कुराई खाड़ी तक मुझे लेकर आई। मेरे पहुंचने से कुछ सेकंड पहले ही एक बोट निकल गई थी। तब तक मैं यहाँ के मनोरम दृश्य को अपने मोबाइल में चित्रित करने में लग गया। तभी दूसरी बोट हवा से बातें करती हुई वहां पहुंची। और मेरा समुद्री सफर शुरू हुआ। कुछ ही देर में मैं खाड़ी के उस पार था। बोट के लिए सिर्फ 15 रुपए लगे और आगे यहां से पकोड़ा के लिए 3 किलोमीटर का रास्ता है और वहां तक जाने के लिए टमटम या ऑटो में से मैंने ऑटो को चुना। बौद्ध धम्म इंसानी जज्बात और उस पर नियंत्रण की सबसे बड़ी और लचीली प्रयोगशाला है, जो पाखंडवाद और ईश्वरीय पराधीनता को यथार्थवाद में परिवर्तित करने का मार्ग और कला है, जिसका मूल सूत्र अत्तदीप भव मानव को अपने आप पर प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है और इसी तरह स्वतः से स्वतः पर प्रयोग करने की प्रक्रिया है विपस्सना। यह प्रक्रिया बौद्ध धम्म के प्रभाव के खत्म होने से भारत में लगभग समाप्त हो गई थी, मगर अब बौद्ध धम्म के पुनर्जागरण के बाद प्रतीक और ध्यान केंद्र बड़े पैमाने पर फिर से पुनर्स्थापित हो रहे हैं। और जिसमें बड़ा योगदान है गोयनका गुरुजी का, जिन्होंने इस कला को भारत में फिर से प्रज्वलित किया है। यह पगोड़ा स्वेडागोन गोल्डन पगोड़ा, जो कि यंगून म्यांमार में है, उसी तरह बनाया गया। अपने तरह का अलग स्ट्रक्चर है, जो बर्मीज तरीके से बनाया गया पत्थर का डोम है, जिसे राजस्थान के सैंडस्टोन से बनाया गया है। कहा गया है यह आने वाले 1000 साल तक यथास्थिति रहेगा। यह पगोड़ा दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का गुंबद है, जो बिना किसी सहारे के खंभों से बना है। पगोड़ा के ऊपर का भाग शुद्ध सोने से बनाया गया है और सजाया गया है, तो बाकी को उस रंग से रंगा गया है और अगल बगल सारा कुछ संगमरमर से बना है। अंदर गुंबद की ऊंचाई लगभग 20 मीटर है, जबकि इमारत की ऊंचाई 99 मीटर है, जो दुनिया में सबसे बड़ी पत्थर से बनाई गई इमारत है। इस पगोड़ा का आंतरिक व्यास 85.15 मीटर है। यह पगोड़ा बुद्ध के अवशेषों को रखकर बनाया गया है और दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है जो इस तरह बुद्ध अवशेषों पर खड़ी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा ध्यान केंद्र है जिसमें एक साथ 8000 लोगों की क्षमता है। सन 2000 में इसका काम शुरू हुआ। यह ग्लोबल विपस्सना केंद्र, इसका उद्घाटन 8 फरवरी 2009 को हुआ था। यह गोराई क्रिक और अरब सागर के बीच एक द्वीप पर दान की गई भूमि पर बनाया गया है।
सबका मंगल। यह शांति और सद्भाव का प्रतीक है। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक दान से निर्मित है तथा इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य विपस्सना के बारे में जानकारी साझा करना और भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी देना, बुद्ध की सार्वभौमिक शिक्षाओं के व्यावहारिक सार को लोगों तक ले जाना बताया गया है। और यहाँ 10 दिवसीय विपस्सना ध्यान का आयोजन निःशुल्क होते रहता है। गोयन का गुरुजी के गुरु सयाजी उबा खिन को विपस्सना ध्यान के पुनर्जागरण के जनक माना जाता है। इन्हीं से गुरुजी ने विपस्सना सीखी थी। यहाँ साल भर सारी दुनिया से टूरिस्ट और सैलानी आते रहते हैं और इस एकांत शांतमय वातावरण में अपने अतीत और वर्तमान को भूलकर एक अलग ही आनंद के एहसास में डूब जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो गई और शाम 5 बजे यहाँ का मुख्य द्वार बंद हो जाता है और फिर भविष्य में यहाँ वापस आने की योजना के साथ हम पैदल ही जट्टी की ओर निकल पड़े। बगल में मछुआरों की बोट पानी में फंस गई थी। उनका ध्यान नाव को किसी तरह पानी में उतारने पर था और मेरे ध्यान में था ग्लोबल विपस्सना केंद्र।